हेलो दोस्तों, आज हम शेरवानी की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया है। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। इसमें फोल्ड करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे। तो मैं ये आपको अखबार बता रही हूँ। तो मैंने इसमें कम लेंथ और कम इसका शोल्डर रखा है। तो आप कपड़े पर काटा तो अपने शोल्डर और लेंथ के अनुसार काटा है इसमें। तो मैंने इसमें 6 इंच रखा है और 6 इंच पर ही हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम राउंड शेप देते हुए इसे इस तरह से गोल करेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई में निशान लगाया। तो मैंने 2.5 इंच पर लगाया। शोल्डर को हम 2 इंच डाउन करेंगे। इस तरह से यहां से हम 1 इंच लेंगे गोलाई करने के लिए। इस तरह से हम गोल करेंगे। यहां से हम जितनी भी हमारी चेस्ट है हम उतना ही रखेंगे। तो मैंने इसमें 6.5 रखा है और वेस्ट रखी है इसमें 6 इंच। और यहाँ पे हिप रखा है 7 इंच। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। तो इस तरह से हम तीनों फोन को इस तरह से मिलाएंगे। अगर आप फिटिंग का बनाना चाहते हो तो इस तरह से बनेगा। अगर लूज बनाना चाहते हो तो इस तरह से नहीं लगेगा, एकदम सीधा ही लगेगा। थोड़ा बहुत ही इसमें फिटिंग करनी पड़ती है लूज वाले में। तो मैंने इसे इस तरह से बनाया फिटिंग वाला ही। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग करी है इसमें। तो ये हमारा बैक हो गया। अब हम इसमें शोल्डर की कटिंग करेंगे, सॉरी आर्म होल की। इस तरह से शोल्डर को हम 2 इंच इस तरह से डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद हम इसमें 1 इंच पर हमने इसमें गोलाई दी थी। ये हमारे शेरवानी की कटिंग हो गई इस तरह से बैक की। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसे भी। तो हमें इसमें 6 इंच पे निशान लगाने हैं शोल्डर में, जितना हमने उसमें लगाया था। और इसमें भी हमने 6 इंच पर ही गोलाई देनी है। और थोड़ा सा हमें इसे अंदर की तरफ लेना है 0.25 इंच और इसे अंदर की तरफ गोलाई देनी है। जितना हमने उसमें शोल्डर को डाउन करा था उतना ही इसमें भी करना है। और यहाँ पे जब हम राउंड कॉलर की नेक की डिजाइन बनाएंगे तो इसमें भी 3 इंच रखना है। यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे और इसका हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। इसे राउंड से देते हुए हम इसे इस तरह से गोल करेंगे। तो इसमें भी मैंने 6.5 ही रखना है। और यहाँ से हमने वेस्ट रखी 6 इंच और यहाँ से हिप रखी 7 इंच। अब इन तीनों कोण का उन्हें उसी तरह से मिलाएं जिस तरह से हमने बैक में ही मिलाया था इस तरह से। तो आप चाहो तो इसमें कोई डिजाइन भी दे सकते हो। तो यहाँ से मैं एक साइड की डिजाइन लूंगी इस तरह से। ये मैंने निशान 13 इंच पर लगाया। हम एक साइड इस पर यहाँ से हम अपने ब्लैंकेट लगाएंगे। तो इसमें कम से कम 10 इंच पर रखा जाता कपड़े पर, 10-11 इंच पर।
तो मैं छोटे साइज का बना रही हूँ तो 7 इंच पे कट लगाऊंगी। अब ये जो मैंने डिजाइन दी है इसको हम इस तरह से निकालेंगे काट कर इतना। तो ये हमारी शेरवानी की डिजाइन हो गई, ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। इस तरह से यहाँ पर अपने राउंड कॉलर शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे राउंड से यहाँ से यहाँ तक। और सबसे पहले तो हम इसमें ब्लैंकेट लगाएंगे जो अंदर तक फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। तो हमारी ये शेरवानी बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह से डिजाइनिंगदार। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।